इधर मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी जिलों के कलेक्टर सीएमएचओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों की ट्रेवल हिस्ट्री भी खंगालने की ताकीद की गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। भोपाल के जेपी अस्पताल, हमीदिया और एम्स अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में 5 बेड संदिग्ध मरीजों के लिए और 5 बेड पॉजिटिव मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। हम लोगों को एक अलर्ट जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिसपे दिशा निर्देश उसमें सब तरह के जारी किए गए हैं। उसके हिसाब से हम लोग सावधानी रख रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में कोई केस नहीं है, भोपाल में भी कोई केस नहीं है, लेकिन हमने सावधानी के तौर पर एक आइसोलेशन वार्ड बना लिया गया है, तो उसमें अगर कोई संदिग्ध केस आता है तो उसमें रखेंगे, उसके जांच का के सैंपल भेजेंगे। इसमें मुख्यतः फीवर आते हैं, रेश देते हैं, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स से कुछ मिलता जुलता वायरस से, जिसकी वजह से ये होता है। इसमें रेश आएंगे, फीवर रहेगा, एक लिम्फ नोड इलाज देते हैं, सर्दी उस तरह के लिम्फ नोड के साथ साथ बॉडी एक हो सकता है, इसमें इस तरह की बीमारी रहेंगे तो उसमें रेश जब आए और फीवर के साथ आए तो उसमें बड़ी सावधानी रखने की जरूरत रहती है। तो हमारे यहाँ सब तरह के योग चिकित्सक हैं, सरकार ने पोस्ट करे हैं, दवाइयाँ पूरी उपलब्ध हैं,